नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। टुडे आई एम हियर टू डिस्कस IBPS RRB PO प्री का जो एग्ज़ाम्स हुआ है, राइट, आपके 13 सितंबर यानी कि 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम्स हुआ है उनमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, राइट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन वह क्वेश्चंस डिस्कशंस करेंगे। कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज मिली है, किसी शिफ्ट में आपकी मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, देन किसी कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी हैं, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी मिले हैं, तो अपन जो जो क्वेश्चंस मिले हैं मैं आपके साथ डिस्कशंस करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दिया है तो आपको क्वेश्चंस कोई भी लगता है कि मेरे को याद है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा, ताकि अदर स्टूडेंट्स जिनका भी IBPS RRB क्लर्क का एग्जाम्स हो उनको हेल्प कर सके। ओके, और जिनका RRB क्लर्क का एग्जाम्स है प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा अनुमान कि कैसा पेपर्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है जो IBPS RRB क्लर्क एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम से आपके 19 सितंबर यानी कि शनिवार को एग्ज़ाम से, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल सेशंस रहेगा। ओके, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो पहले चैनल स्पेस न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लें, दैन वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा लगे इम्पॉर्टेंट लगे तो लाइक बटन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, अगर पेपर्स की बात करें माय डियर एस्पिरेंट्स, ये आपको पेपर्स कैसा मिलेगा, राइट। जो IBPS RRB PO का जो पेपर्स हुआ है, राइट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से आग्रह रहेगा, अगर आपने एग्जाम्स दिया है तो प्लीज़ अपने अटेम्प्ट और प्लस आपका स्टेट कौन सा है, राइट, यह आप कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा कि सर मेरे इतने अटेम्प्ट है और इतने मैंने, ये मेरा स्टेट है, राइट, ताकि एक कट ऑफ का आइडिया लग सके। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का एक तरह से आ रहा है कि सर हमने 50 के इर्द गिर्द, राइट, 50 से 55 के अप्रोक्सी सभी ने एक तरह से अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 80, राइट, 80 में से 50 से 55 ही अटेम्प्ट किया, यानी कि इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन ही इन्होंने अटेम्प्ट किया मोस्ट ऑफ कैंडिडेट भी। तो प्लीज़ आप भी अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सर हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं। देखिए 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, एग्जाम्स में बहुत से स्टूडेंट्स के 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 मार्क्स बिल्कुल डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, राइट, जो आपकी स्क्रॉलिंग जो इंटरफेस की आपको फेस करना पड़ा था, राइट, किस बेसिस पे एग्जाम्स हुए, राइट, उसके बेसिस पे अपन कह सकते हैं 50 से 55 के बेसिस पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट है। बट आप भी अटेम्प्ट अपने शेयर कीजिएगा, उसके अनुसार अपन कट ऑफ का डिस्कशंस जरूर करेंगे। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, लुक एट दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन्स पे है, रॉन्ग नंबर सीरीज स्टूडेंट्स ने ही सेंड किए हैं, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चंस नहीं है, ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, राइट, कोई भी क्वेश्चंस हो ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, बट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, राइट, उसके बेसिस पे पैटर्न क्या क्या है सब कुछ अपन डिस्कशंस करेंगे। अगर आप क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ यह क्वेश्चंस देख लीजिए, मेरे लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए वह भी देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज मैंने प्रैक्टिस करवाए, बहुत से स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स हुआ था। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, देखिएगा जरूर सेशंस को, ओके, क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे। देखिए सीरीज का पैटर्न देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कितने बेसिस पर डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, राइट, सीरीज अपने को पता चल गई डिफरेंस पेज पर ही जाएगी। तो यहाँ से 64 से 56 हो रहा है माडियर एस्परेंट, तो कितना आपकी लैश हो रहा है, 6 आपके 4 और 4 आपका माइनस का 8 का डिफरेंस आपकी यहाँ पर है, राइट, माइनस का 8 का डिफरेंस यहाँ पर है, एंड देन यहाँ पर प्लस का 56 और आपकी 65 प्लस का 9 का डिफरेंस आपकी यहाँ पर है, देन यहाँ पर माइनस का 50 मानेंगे तो 15 प्लस 1 16 का डिफरेंस यहाँ पर हुआ, एंड 49 से 74, राइट, प्लस का डिफरेंस अगर 50 होता 24 होता तो 49 है तो 25 का यहाँ पर डिफरेंस है, राइट, एंड 74 से 38 माय डियर स्टूडेंट्स माइनस का 38 का डबल करेंगे तो 70
सिक्स आता है, टू लेस है तो टू, थर्टी है इसमें से लेस कर दीजिए, 36 आपका आएगा। एंड प्लस आपकी 17 माइनस 8 वन का, 17 माइनस 8 दैट इज द 9 का यहाँ पर डिफरेंसेज हुआ, एंड 4 का आपके यहाँ पर डिफरेंसेज। सीरीज यहाँ से पता चल गई है दैट इज द रॉन्ग आंसर विल बिकम 64 इज द रॉन्ग, एंड किसी ऑप्शन आपका सही होगा। वाई देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया ये आपके 16, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर आपका 4 होना चाहिए, इट मीन्स माइनस का 4 आपके पास आना चाहिए था, राइट, माइनस का 4 यानी कि 56 प्लस 4 करेंगे तो 60 अगर होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, राइट, 64 इज द रॉन्ग टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, पीओ प्री हो चाहे क्लर्क प्री हो, आप स्क्रीन पे ही शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन वीडियो को आपने रोक दिया, ट्राई कर लिया, फटाफट देख लिया कि आप बेसिस पे तुरंत आप आंसर्स दे सकते हैं। अगर आप रफ सीट विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव होगा, रफ सीट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद जान सकते हैं टाइम कितना स्पेंड होता है। 12 से 8, 8 से 8 हुआ यानी कि यहाँ से तो अपनी शूटिंग लग रहा है कि वन टाइम से, यहाँ से क्लियरली विजिबल से दैट इज द टू टाइम्स है, यहाँ से 4 टाइम्स है, यहाँ से क्लियरली विजिबल से दैट इज द 8 टाइम्स है। वाई दिख ही रहा है 8 टाइम्स, 8 सिक्सा 8, देखिए 8 आपकी सिक्सा 480, कैलकुलेशंस करने का सबसे बेस्ट वे 480 एंड 8 4 जा राइट 32, 32 प्लस 8 480 इजिकल टू 412, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट टर्म्स आपका 16 होना चाहिए क्योंकि डबल चल रहा है, यहाँ पर आपका 0.5 होना चाहिए, राइट, 0.5 होता तो आपका इनटू मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ता अपने को, 0.5 का डबल 11, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 0.5, राइट, तो 0.5 यहाँ पर होता तो आपका 0.5 से कितने से मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो अपने 8 आएगा, दैट इज द 16 अगर आपका यहाँ पर होता तो आपका सही होता, तो इट मीन्स अगेन आपका सी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 16 इंटू 0.5 दैट इज द 8, 8 इंटू 1 8 बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आता जा रहा है तो डन लिखते जाएं कमेंट बॉक्स में और थम्सअप जरूर दे दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वही हैं जो आप एग्जाम्स में एकदम डिटो देखने को मिले थे। नेक्स्ट आपके कुछ मिसिंग नंबर सीरीज भी क्वेश्चन सेंड हुए हैं, देख लीजिएगा 4.9 से क्वेश्चन मार्क, 3.7, 7.3 यहाँ से क्लियरली विजिबल है, 37 से 73 आप पॉइंट उड़ा दीजिए, पॉइंट्स का कोई मीन्स नहीं है, अगर पॉइंट्स लेते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर नहीं लेते तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, राइट। देखिए 37 से 73 हो रहा है, इसको 3 मानिए तो 40, 40 प्लस 30 33, इट मीन्स आपके 36 का डिफरेंसेज, इट मीन्स 3.6 का डिफरेंसेज प्लस में, राइट। यहाँ पर देखिए 13 माइनस 5 इजिकल टू 8 एंड 6 माइनस 2 इजिकल टू 4 यानी कि 48 का यहाँ पर डिफरेंसेज, राइट। नेक्स्ट देखिए प्लस का 6.0 यानी कि 6.0 का डिफरेंसेज यहाँ पर है, तो 36, 48, 60 यानी कि 12 का डिफरेंसेज चल रहा है, यहाँ पर आपकी माइनस का 2.4, यहाँ पर आपका प्लस का 1.2, प्लस का 1.2 माय डियरेस्ट फ्रेंड्स इसमें ऐड करेंगे 9 प्लस 2 1 11 और 4 प्लस 1 5 प्लस 1 इजिकल टू 6, 6.1 इज द करेक्ट, ये ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। 6.1 माइनस 2.4 अब क्लियरली विजिबल से, 11 माइनस 4 इजिकल टू 7, नेक्स्ट यहाँ पर बचा 5, 5 माइनस 2 इजिकल टू 3, बिल्कुल सही है, इट मीन्स ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 130 से 66 हो रहा है, 66 से 34 हो रहा है, 34 से 18, 18 से 10 टाइम्स 10 एंड यहाँ पर क्वेश्चन मान, तो सीरीज में यहाँ से क्लियरली विजुअल है विदाउट पेन एंड पेपर से क्वेश्चन होना चाहिए, 10 इंटू 2 20 माइनस 2, 18 इंटू 2 36 माइनस 2, 34 इंटू 2 इजिकल टू 68 माइनस 2 66, 66 इंटू 2 132 माइनस 2 इजिकल टू 130, तो यहाँ पर भी आपका यही आना चाहिए
इंटू टू माइनस टू, इट मीन्स 10 अपॉन 2 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 आपकी 3, राइट। 10 यहां पर इंटू 2 माइनस का 2, यानी कि इंटू 2 से मल्टीप्लिकेशन अपने को करना पड़ेगा। पहले 2 से लेस कर दीजिए, 10 में से 2 लेस कर दीजिए, कितना आया 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो राइट दैट इज द 4, यहाँ पर आपका 4 आंसर होगा, राइट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो पहले अपन यहाँ से किया ना, तो मल्टीप्लिकेशन से, अपन यहाँ से डिवाइड करें तो पहले लेस करना पड़ेगा, राइट। 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ए का फोर्थ का आपका ए होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन मिला है जो कि है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स स्किप करते हैं प्रोबेबिलिटी का, तो ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी। इंग्लिश में है, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देर आर 8 ग्रीन बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स, यानी कि टोटल बॉल्स कितनी होगी, 8 आपकी ग्रीन है, 4 आपकी रेड है, टोटल बॉल कितनी है, दैट इज द 12, 12 बॉल्स आपके कंप्लीट है टोटल्स। इफ टू बॉल्स आर विथड्रॉन, यानी कि अपने को दो बॉल्स निकालने हैं, पिकअप करनी, यानी कि निकालनी है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट, यानी कि कम से कम एक बॉल है जो कि आपकी रेड होनी चाहिए निकलने में, तो कितने प्रोसेस हो सके हैं, कितने एक तरह से प्रोसेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर, इसमें से दो बॉल्स अपने को निकालनी है जिसमें से एटलीस्ट एक बॉल होनी चाहिए आपकी रेड होनी चाहिए, राइट। तो एक प्रोसेस क्या हो सकता है कि 8 ग्रीन है और 4 रेड है, तो यानी कि एक आप ग्रीन ले लीजिए और एक आपको रेड लेनी पड़ेगी, एक बॉल अपने को चाहिए, या एक प्रोसेस यह भी हो सकता है दोनों की दोनों रेड बॉल आप निकाल सकते हैं, दो की दो रेड बॉल, राइट। तो अपने प्रोसेस क्या हो गया, एक ग्रीन और एक रेड, यानी कि 8 ग्रीन है, 8c1 इंटू 4c1 रेड का अब इजिकल टू आपका 12c2, राइट, प्लस 4 की 2 की 2 रेड बॉल है, तो यानी कि 4c2 इजिकल टू 12c2, राइट। यहाँ से आप निकाल सकते हैं आंसर्स, आप निकाल सकते हैं कैसे, 8 सेवन 8 इंटू 4 यहाँ पर हो गया, 12 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पर 6 इंटू 11 कर देंगे क्योंकि 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 जाएगा अपॉन में, तो अपन ने डायरेक्ट मैंने 6 इंटू 1 लिख दिया, ओके, राइट। तो 8 इंटू 4 प्लस अपॉन 6 इंटू 11 अपन ने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 4 इंटू 3 और 2 से तो 2 निकल ही जाएगा, तो नीचे भी आपका बचा 12 इंटू 11, राइट। तो इसको निकाल लीजिए, दैट इज द 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 3 टाइम्स, राइट, 2 से 2 टाइम्स एंड नीचे आपकी 3 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर जो 16 अपॉन 33, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी में, 4 3 से 12, तो 12 से 12 निकाल के, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन 11, तो एलसीएम्स लिया, दैट इज द 33, राइट। तो यहाँ पर बचा आपका 16, यहाँ पर बचा आपका 11 इंटू 11 से 33 अपॉन गंग 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, आंसर्स विल बी कम, दैट इज द 19 अपॉन 33, राइट, 19 बट्टा 33, यानी कि 19 अपॉन 33 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, नहीं समझ में आता तुरंत टाइप कीजिएगा, समझ में आता है तो थम्स अप दे दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट कुछ इक्वेशंस भी पूछी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी फॉर्मेट पे थी, इतना ज़्यादा देखिए पेपर्स की बात करें तो आर आर बी पी यू 2020 पेपर्स कहें तो आज के जो शिफ्ट हुए थे बहुत ही टफ एक तरह से कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के सारे पेपर्स थे सारे शिफ्ट में, राइट, सारे शिफ्ट में मॉडरेट टू डिफिकल्ट, राइट। कहीं कैसलेट डीआई पूछ रहा है, कहीं रोंग नंबर सीरीज पूछ रहा है, कहीं टाइम कैलकुलेटिव डीआई पूछ रहा है, राइट,
और पजल्स भी इतने डिफिकल्ट पूछ रहा है कि सारे का सारा टाइम वेस्ट वहाँ पर हो रहा है, और ऊपर से आपको इंटरफेस की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना है, राइट। तो ध्यान में रखिएगा क्लर्क वाले स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपके पास टाइम है, अभी तक आपके पास 5 डेज है रिमेनिंग, अच्छे से जी जान लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, आपका भी सिलेक्शंस बन सकता है, ओके। तो प्लीज़ ध्यान से रखिएगा, जो RRBPO आपके लिए जो क्लर्क की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए एक सीख के बेसिस पे ले सकते हैं, ओके। पेपर्स दूसरे दिन बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो यानी कि धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड शिफ्ट फर्स्ट अगले दिन नेक्स्ट डे आपका बहुत ही डिफिकल्ट होते चला जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके। x² + 1 1 1 144 आपको मालूम है, मैंने बताया था आपको 20 तक आपकी 30 तक टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको मैथ में लाने चाहिए मार्क्स 30 तक टेबल्स आपको, 30 तक क्यूब, राइट, 30 तक क्यूब, 50 तक स्क्वायर, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप मैथ में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज आप मैथ में आप टाइम वेस्ट करेंगे, ओनली फॉर आपका टाइम कंज्यूम होगा। x² + 1 = 144, तो 144 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज द 12, यानी कि 12 प्लस का भी आएगा और 12 माइनस का भी आपका आएगा। अभी इतना बेसिक से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर भी 15, क्योंकि 225 का 15 का स्क्वायर होता है 225, यह अभी आपका एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, आंसर बिब्लिकल नो रिलेशंस, राइट, नो रिलेशंस, यानी कि 5 ऑप्शंस आपको टिक करना था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा है, बहुत तगड़ा क्वेश्चंस था यह भी, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की है वह इस क्वेश्चंस को कर पाएगा। 12 पूछा है और यहाँ पर एक्स दे रहा है, एक्स को अपन 1 मानते हैं, यहाँ पर 1x लिख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसी संख्या अपने को ज्ञात करनी है जिसको घटाने पर आपकी माइनस का 1 आए और गुणा करने पर उन संख्याओं का 12 आए, तो 4 × 3, राइट, 4 × 3, क्लियर। अब इसमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें माइनस का 1 चाहिए, फिर अपन को कन्वर्ट करना है कॉफिशियंट को, पहले माइनस का 1 कैसे आएगा, ये आपका माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, राइट। 4 माइनस माइनस का 4 प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का 1 एब्सोल्युटली सही है। अब सीरीज चेंज हो गई, ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा, क्योंकि कॉफिशियंट अपने को चेंज करना है, राइट, ये नहीं है, तो इसका आएगा आंसर, इसका आपका एक्स के जो पद आएंगे प्लस का 4 और माइनस का 3। वाई में भी देखिए सेम टर्म्स हैं, ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करने पर 6 आए और घटाने पर माइनस का 1 आए, तो 3 और 2, 3 × 2 = 6 होता है, सेम पैटर्न पे होगा प्लस माइनस दोनों टर्म्स, तो इसका भी आंसर होगा आपका नो रिलेशंस, राइट, क्लियर, इसका भी आंसर होगा x = y या नो रिलेशंस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 7 और 10, यहाँ पर तो क्लियरली स्टूडेंट्स बिल्कुल भी झिझक आंसर देगी, ये आपका प्लस का होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये दोनों टर्म्स आपके माइनस के होंगे, तो x = ये तो आपका विदाउट पेन एंड पेपर का क्वेश्चन था, इसके भी कॉफिशियंट मैं बता देता हूँ, 7 और 5 आपका होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माइनस है, अगेन माइनस है, तो इसका भी आंसर आपका नो रिलेशंस होगा, राइट, क्योंकि दोनों टर्म्स में माइनस है, सॉल्व करके भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 50 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर गिवन है, तो 10 और 5 आपके कोफिशिएंट हो गए, इनका मल्टीप्लिकेशन 50 है और इनको लेस करने पर आपका प्लस का 5 आना चाहिए, तो ये आपका प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तभी आपके पास प्लस का 5 आएगा, तो यहाँ पर चिन्ह कैसे होंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर आपका 54 है, राइट, 54 है, तो 9 और 6 कितना होता है, 9 × 6 आपका होता है 54, ऐसी संख्या होगी 54 हो गया, 9 और 6, इसमें से प्लस का 3 चाहिए, तो प्लस का 9 माइनस का 6 करेंगे तो अपने प्लस प्लस का 3 आएगा, पर चेंज चेंज होती प्लस और माइनस दोनों हो जाएंगे, तो आंसर्स विल बिकम अगेन नो रिलेशंस, राइट, राइट, नो रिलेशंस के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, स्टूडेंट्स ने जैसा सेंड किया था वैसे मैंने आपको सारे डिस्कशंस कर लिए हैं, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके इक्वेशंस के बेस पर थे, आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दीजिएगा, मैं 100% आपको बता दूंगा, ओके।
और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी थे और आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज भी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी एक बार जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोज के लिए, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं वीडियो क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए डालता रहता हूँ। प्लीज़ देखिएगा जरूर, और भी वीडियो मैं अपलोड जरूर करूँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू सो मच माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को भी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।